नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए 9 और 14 दिसंबर को होंगे चुनाव। मतगणना 18 दिसंबर को होगी। 4,33,00,000 मतदाता करेंगे मतदान। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आशंका जताई, हो सकते हैं उड़ी जैसे और हमले। शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्स 33,000 के पार हुआ। अमेरिका में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर। कर्नाटक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक समाज के साथ जुड़ें। यूपी में भाजपा के नाराज विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने दी इस्तीफे की धमकी। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश में 6 गांवों में चलाया तलाशी अभियान। दुनिया में खतरनाक बीमारियां फैला सकता है उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग, बना रहा है जैविक हथियार। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा, आतंकवादियों का खात्मा करे पाकिस्तान। अमेरिका ने कहा, सीरिया रासायनिक हथियार जांच मामले में रूस का वीटो गलत। बीसीसीआई ने महाराष्ट्र के संघ के क्यूरेटर पांडुरंग सालगांवकर को कथित भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।